नमस्कार प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजय सर में। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर में आता है। और ये आपको क्वेश्चन कह क्या रहा है कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम्ब का नियम प्राप्त करें। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि गॉस प्रमेय क्या होता है, और उसके बाद समझ लेते हैं कि कूलम्ब का नियम क्या होता है, तब जाके हम लोग गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम्ब का नियम प्राप्त करेंगे। 5 नंबर में आता है, हो सकता है कि इस साल एग्जाम में आप कराए आपका है इस बार, तो याद रखिएगा। तो चलिए, गॉस प्रमेय सबसे पहले तो मेरा गॉस प्रमेय होता है फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, और यहाँ क्लोज सरफेस लिख करके एस लगा देना है, और बराबर मेरा आता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस प्रमेय है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि यही गॉस प्रमेय की सहायता से हमको कूलम्ब का नियम निकालना है। तो कूलम्ब का नियम क्या होता है? तो कूलम्ब का नियम दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल होता है। जैसे यहाँ एक आवेश Q1 है, यहाँ एक Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी R है। तो इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल जो होता है, वो तो कूलम्ब के नियम के द्वारा दिया जाता है। और यह जो है कूलम्ब का नियम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 और बटा में मेरा आर स्क्वायर होता है। अब क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही जिक्र है कि आपको गॉस प्रमेय से चलना है और कूलम्ब के नियम निकाल के ले आना है, ठीक है? तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसको प्रूफ करने का तरीका है, उसको एकदम बेसिक से समझिएगा। कहीं भी कुछ भी भार नहीं है, याद करने वाला झंझट भी नहीं है, याद करने का नौबत ही नहीं आएगा। ऐसे ही आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। आप चाहिएगा तो अगला बार खुद से भी इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ कोई बिंदु O है, निर्वात में मान लेते हैं कि कोई बिंदु O है, और उस बिंदु O पर कोई Q आवेश इस प्रकार से स्थित है। बिंदु O पर Q आवेश स्थित है। अब हम क्या करते हैं कि इस बिंदु आवेश से R दूरी पर एक दूसरा बिंदु ले लेते हैं। बिंदु आवेश जो आपका Q है, इससे R दूरी पर एक दूसरा बिंदु ले लेते हैं। इस बिंदु का नाम हम लोग P दे देंगे, ठीक है? बिंदु का नाम हम P दे देते हैं। अब इस बिंदु आवेश Q से R दूरी पर हमें वो बिंदु ले लिए हैं, और वहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक हम गोलीय सतह का निर्माण करते हैं। यहाँ पर एक गोलीय सतह का निर्माण कर दे रहे हैं इस प्रकार से, ठीक? हमको क्या किए हैं कि जैसे बिंदु जो था ना मेरा O निर्वात में था, जहाँ पर बिंदु आवेश Q स्थित है, और यहाँ इससे R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम एगो काल्पनिक गौसीय सतह का निर्माण कर दिए। काल्पनिक गौसीय सतह है, इसलिए इसको आप लोग डॉटेड लाइन से दर्शाइएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो गौसीय सतह हम घींचे हैं वो काल्पनिक है। अच्छा, यहाँ गौसीय सतह घींचने की आवश्यकता क्यों पड़ा? तो क्योंकि हम लोग की गॉस प्रमेय का इस्तेमाल करना है। गॉस प्रमेय जो है बंद सतहों के लिए होता है, खुला सतह के लिए नहीं होता है। तो जो मेरा आवेश क्यू था वो तो इसी खुला जगह में था, निर्वात में ना, तो इसीलिए हम इसको क्या किए, बंद किए, ताकि हम यहाँ पर गॉस प्रमेय अप्लाई कर सके, ठीक है? यही कारण है कि इसको हम क्या किए हैं, बंद किए हैं। चलिए अब समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि इस आवेश क्यू से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा चारों दिशाओं में फैलेगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, मतलब चारों दिशा में विद्युत क्षेत्र यहाँ जाएगा। यहाँ से हम लोग विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र यहाँ से हमारा ई जा रहा है, विद्युत क्षेत्र ई जा रहा है, एक ही दिशा में ले रहे हैं। यहाँ एक हम इस गौसीय सतह का एक क्षेत्रफल काट लेते हैं, इसका एक छोटा सा हम क्षेत्रफल काट ले रहे हैं। ये छोटा सा क्षेत्रफल का नाम मान लीजिए कि वेक्टर DA है। इसका क्षेत्रफल का नाम क्या है? DA है। यहाँ देखिए विद्युत क्षेत्र ई और वेक्टर DA दोनों एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में है, ठीक? और त्रिज्या हम लोग R मान चुके हैं। चलिए अब देखिए, इसमें जो डायग्राम बना है इसके लिए हमको लैंग्वेज लिखना पड़ता है। लैंग्वेज देखिए क्या लिखा जाता है कि माना कि प्लस क्यू आवेश है, माना कि प्लस क्यू आवेश निर्वात में बिंदु O पर स्थित है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक? R दूरी पर बिंदु P है, तो R दूरी को त्रिज्या मान करके, R दूरी को त्रिज्या मान करके एक काल्पनिक गोलीय गौसीय सतह का निर्माण किया गया है। एक काल्पनिक गोलीय गौसीय सतह का निर्माण किया गया है जिसका छोटा सा एगो क्षेत्रफल है DA। इस काल्पनिक गौसीय सतह का छोटा क्षेत्रफल DA है, ठीक? तो ये जो DA क्षेत्रफल है विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। आप कहीं भी गौसीय सतह काटिएगा और उसका छोटा क्षेत्रफल लीजिएगा तो वहां पर विद्युत क्षेत्र उसी दिशा में होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में।
विद्युत क्षेत्र चारों दिशाओं में फैलता है, इधर भी सगरों फैलता है, ठीक है। तो ये जो छोटा सा क्षेत्रफल दिए है, इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो भी बहुत छोटा होगा। इसके बाद नीचे हम लोग लिखते हैं कि डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो है ना मेरा डी फाई होता है। क्या होता है? डी फाई होता है, छोटा सा फ्लक्स होता है जो बराबर होता है आपका वेक्टर ई और डॉट, वेक्टर डीए के बराबर होता है। ई डॉट डीए का वैल्यू मेरा होता है ई डीए कोस थीटा, ई डीए कोस थीटा। तो यहाँ देखिए, जैसे जैसे ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा होता है, उसी तरह से ई डॉट डीए बराबर ई डीए कोस थीटा होगा। अब चूंकि विद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल डीए है दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों के बीच का कोण हमारा 0 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे डी फाई बराबर मेरा हो जाएगा ई डीए, और कोस 0 का वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो फ्लक्स आया ना, ये छोटे से क्षेत्रफल से आया फ्लक्स मेरा, लेकिन ऐसा ऐसा कई गो एकरा में क्षेत्रफल होगा कि आपको ज्ञात है, ऐसा ऐसा इसमें बहुत सारा क्षेत्रफल होगा, ऐसा ऐसा क्षेत्रफल इसमें हम लोग बहुत काट सकते हैं, और जहां से गुजरने वाला कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र भी होगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्रफल से जो भी आप काटिएगा, क्षेत्रफल डीए, यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान डीए, ई डी आएगा आपका, डी फाइव बराबर ई डीए आएगा। तो ये पूरा संपूर्ण जो हमारा गौसी सतह जो घींचे हम लोग काल्पनिक गौसी सतह, इससे गुजरने वाला टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इसमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। इसके बाद नीचे लिखते हैं कि अब संपूर्ण गौसीय सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव, और इधर भी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए हो जाएगा। चूंकि जो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी बंद गोलीय सतह के लिए कर रहे हैं, इसलिए यहाँ बंद का साइन दे दीजिएगा, क्लोज्ड का साइन, ठीक ना। और चूंकि इस बार ये जो एथी है गौसी सतह है, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल हम लोग ए मान के चलेंगे। तो किसी भी गोलाकार सतह का क्षेत्रफल होता है आपका 4πr² होता है, किसी भी गोलाकार सतह का क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो हम लोग यहाँ ए लिखेंगे नीचे, ठीक ना, यहाँ पर ए लिखेंगे। इसके पीछे हम लोग सरफेस एरिया ले रहे थे तो एस ले रहे थे, यहाँ पर हम एरिया लिए इसलिए ए लिख रहे हैं। अब देखिए डी फाई का इंटीग्रेशन होता है फाई होता है, कैसे भाई? तो आप लोग पढ़े होंगे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बराबर आपका एक्स प्लस सी होता है, एक्स प्लस सी। तो वही हम लिखेंगे डी फाई का फाई हो जाएगा, इसमें ई हमारा बाहर निकल जाएगा, और ए जो है उसका लिखाएगा डीए लिखाएगा इस प्रकार से, और डीए का हमारा क्या हो जाएगा, डीए का हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा ई ए हो जाएगा। अच्छा देखिए, ई जो ए जो है इस संपूर्ण गौसीय सतह का क्षेत्रफल है, और गौसीय सतह गोलाकार है, और गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², तो यहाँ पर अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे ए के जगह पर 4πr² लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ फाइव बराबर हो जाएगा मेरा ई I² में 4πr² हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए ये जो हम लोग फ्लक्स निकाले हैं इस संपूर्ण गौसीय सतह से होकर गुजरने वाला, ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से निकाले। अब जैसे गौस का प्रमेय कहता है कि यदि किसी बंद सतह के अंदर में आवेश हो तो संपूर्ण सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये बंद सतह के अंदर में जो मेरा टोटल आवेश है क्यू है, टोटल आवेश क्यू है, तो इस संपूर्ण सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, आवेश क्यू का 1/ε0 अकॉर्डिंग टू गॉस प्रमेय। तब अब हम लोग लिखेंगे गॉस प्रमेय से संपूर्ण गौसीय सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो हमारा क्या होगा, फाई बराबर Q/ε0 होगा, क्योंकि बंद सतह के अंदर में जो दोस्त है, दोस्त आवेश जो है वो क्यू है, और गॉस प्रमेय तो कहता ही है कि किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स का मान होता है सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, और सतह के अंदर क्यू आवेश है, तो हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों का एलएचएस सेम है, तो अब हम इसका आरएचएस बराबर करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका हम आरएचएस बराबर कर रहे हैं।
यहाँ हम लिखेंगे समीकरण एक एवं दो से लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? समीकरण एक एवं दो से, समीकरण एक एवं दो से लिख देंगे। तो ये मेरा हो जाएगा, दोनों का एलसीएम सेम है तो आरसीएस बराबर कर देते हैं, ई इंटू 4 पाई r² और यहाँ पर मेरा हो जाएगा क्यू बटा में एप्साइलन नॉट हो जाएगा। तो हम यहाँ से ई का मान निकालते हैं, ई का मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्साइलन, छोड़िए एक लाइन आप बढ़ाएंगे लिखें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं आपका 4 पाई r² और यहाँ पर क्यू बटा में हमारा एप्साइलन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा ई बराबर हो जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्साइलन नॉट और इंटू में क्यू बटा में r² हो जाएगा। यह देखिए जो हमारा E बराबर 1 बटा 4 पाई एप्साइलन नॉट Q बटा r² आया, ये वास्तव में आवेश Q से r दूरी पर जो बिंदु P है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान आया। आवेश Q से r दूरी पर जो बिंदु P है ना वहां पर मेरा विद्युत क्षेत्र का मान आया। अब देखिए यह बिंदु P जो है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन Q बटा r². अब इस बिंदु P पर हम लोग बाहर से किसी परीक्षण आवेश को लाते हैं, तो मान लेते हैं कि बिंदु P पर हम परीक्षण आवेश Q नोट को बाहर से ला रहे हैं, जो जिस आवेश को ला रहे हैं वो परीक्षण आवेश क्या है? Q नोट है। तो जब भी हम लोग किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर ले आते हैं तो वहां पर लगने वाला जो बल का मान होता है F बराबर Q नोट इंटू E होता है, जहाँ Q नोट होता है लाए गए परीक्षण आवेश और E होता है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो अब हम लोग इसके बाद क्या करते हैं कि अब लिखते हैं कि अब किसी परीक्षण आवेश क्यू नोट को बिंदु पी पर लाते हैं, परीक्षण आवेश क्यू नोट को बिंदु पी पर लाते हैं तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, तो विद्युत बल क्या होता है? विद्युत बल होता है एफ बराबर क्यू नोट इंटू ई होगा, मतलब लाया गया परीक्षण आवेश इंटू में विद्युत क्षेत्र। कहाँ से आता है? तो आप पीछे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़े होंगे, एफ बटा क्यू नोट पढ़े होंगे, एफ बटा क्यू नोट, तो वहीं से एफ बराबर मेरा क्या हो जाता है? क्यू नोट इंटू ई हो जाता है। तो जब परीक्षण आवेश क्यू नोट को हम लोग बिंदु पी पर लाएंगे तो मेरा वहां पर लगने वाला विद्युत बल का मान एफ बराबर क्यू नोट इंटू ई हो जाएगा। अब देखिए क्यू नोट को तो क्यू नोट ही छोड़ दीजिए, लेकिन बिंदु जो पी है वहां पर मेरा विद्युत क्षेत्र का मान मालूम है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन Q बटा r², तो लिख दीजिए 1 बटा 4 पाई एप्साइलन नोट और इंटू में मेरा क्यू बटा में r². अब इसको हम लोग गुना में लिख लेंगे, तो गुना में यहाँ पर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? चलिए इसको थोड़ा सा इधर ही रखते हैं अभी, और बाप रे तो बहुत बड़ा हो गया, कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया? हाँ चलिए कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसको सरिया के बढ़िया से लिख लेंगे। सरिया के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त? एफ बराबर मेरा हो जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्साइलन नोट और इंटू में क्यू नोट इंटू क्यू और बटा में मेरा r² हो जाएगा। यही हमारा कूलम्ब का नियम है, कूलम्ब का नियम दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल होता है और यही हमको प्राप्त करने के लिए कह रहा था। आप कहिएगा सर पीछे आप बता रहे थे, पीछे हम आपको यही बता रहे थे कि दो आवेश जब एक दूसरे से दूरी पर होता है तो उनके बीच लगने वाला जो विद्युत बल होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन पहला आवेश गुना दूसरा आवेश और दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। देखिए इसमें भी आपका यही आया है। सबसे पहले हम क्या किए हैं कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान निकाले हैं, हमारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान हो गया आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान इतना हो गया। फिर वहां पर हम लोग परीक्षण आवेश को लाए तो उस पर लगने वाला बल, तो परिभाषा के अनुसार कूलम्ब नियम 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन पहला आवेश गुना दूसरा आवेश, तो पहले का आवेश मेरा प्लस क्यू है और दूसरा आवेश जिसको हम लाए हैं क्यू नोट है। तो देखिए है कि नहीं, यहाँ पर पहले का दूसरा का आवेश गुना पहले का आवेश और दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। यहाँ नीचे लिख दीजिएगा इस समीकरण लिखने के, यहाँ यहाँ तक लिखने के बाद नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा कि यही कूलम्ब का नियम है, यही कूलम्ब का नियम है जिसे गॉस प्रमेय से प्राप्त किया गया, जिसे गॉस के नियम से प्राप्त किया गया, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा, 5 नंबर में 5 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए जिन विद्यार्थियों को PDF नोट्स चाहिए वो विद्यार्थी जो है हमारे एक दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है 74 88 45
53 17, ठीक है, या एक और नंबर है 95 04 76 81 69, ये दोनों में से किसी भी नंबर पर संपर्क करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद प्यारे साथियों।